नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ग्रोथ एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बतलाने जा रहे हैं कि आप बिहार स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें। जैसे कि अभी आप जानते हैं, अभी BPSC का एग्ज़ाम ख़त्म ही नहीं हुआ है और तब तक बिहार स्टेट का ऑनलाइन शुरू कर दिया है, तो आज से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म भरने का जो तरीका है ये ऑनलाइन है और हम आपको थोड़ी सी जानकारी इस वीडियो में देना चाहेंगे। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं, sarkaririzalt.com में दे दिया है कि 14/12/2023 से ये स्टार्ट होगा और डेट आज है 15। कल यानी कि लिंक एक्टिवेट होना था, तो रात तक में लिंक एक्टिवेट हुआ होगा। और जैसे कि यहाँ पे जानते हैं, इसका जो फीस है वो जनरल और BC और EWS के लिए 960 रुपया है, SC ST के लिए सिंगल पेपर के लिए 760 रुपया है, और जो दोनों पेपर देना चाहते हैं जनरल BC EWS के लिए 1440 रुपया है, और SC ST के लिए 1140 रुपये हैं। कहीं ना कहीं SC ST वाले को फीस में कुछ कंसेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ मिनिमम एज की बात कर रहे हैं, मिनिमम एज इसका जो है 21 साल है, और मैक्सिमम जो है मेल के लिए 37 साल है और फीमेल के लिए 40 साल है, ठीक है। और अब एलिजिबिलिटी टेस्ट एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। पेपर वन सेकेंडरी देखिए, इसमें बैचलर डिग्री का होना अनिवार्य है, जिसमें कि 50% मार्क्स हो BEd में, और मास्टर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट से होना चाहिए और BEd पास होना चाहिए। बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री विथ मिनिमम 45% एज पर NCTE नॉर्म है, इस नियम के अनुसार होना चाहिए, विथ BEd या BEd के साथ होना चाहिए, या 4 साल का BA BEd या BSc BEd एग्जाम पास होना चाहिए। इन चारों पॉइंट के अकॉर्डिंग आपके पास एलिजिबिलिटी होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। और पेपर टू के लिए यहाँ पे दिया हुआ है मास्टर डिग्री, यानी कि जो मास्टर डिग्री MA किए हैं और साथ ही BEd या BA BEd या BSc BEd किए हैं, वो पेपर टू के लिए एलिजिबल है। मास्टर डिग्री विथ मिनिमम 45% एज पर NCTE नॉर्म विथ BEd, अगर मास्टर डिग्री किए हैं 45% मार्क्स है तो BEd पास होना चाहिए और NCTE नियम के अनुसार होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। मास्टर डिग्री विथ 55% मार्क्स एंड 3 ईयर्स BEd MEd, अगर आपने 3 साल का BEd MEd कर रखे हैं और 55% मास्टर डिग्री में है, तो फिर आप एलिजिबल हैं। इन तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप एलिजिबल हो सकते हैं अगर आपके पास डिग्री है। तो यहाँ पे देखिए, आपके पास डॉक्यूमेंट जो चाहिए होगा और फोटो किस तरह के क्लिक करना है, पास्ट फोटो साइज फोटो विथ वाइट या लाइट बैकग्राउंड, आपका जो फोटो का बैकग्राउंड है वो लाइट रहना चाहिए या फिर वाइट रहना चाहिए, लाइट कलर। सिग्नेचर स्कैन कॉपी देना है और स्कैन कॉपी रिक्वायर्ड, जो आपको स्कैन कॉपी अपलोड करना होगा मेरे ख्याल से, वो है आपका 10th क्लास का मार्कशीट या सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का मार्कशीट या सर्टिफिकेट, बैचलर डिग्री का मार्कशीट या सर्टिफिकेट, मास्टर डिग्री का सर्टिफिकेट या मार्कशीट, BEd का मार्कशीट या सर्टिफिकेट एंड सर्टिफिकेट दिया है। और ये सब अगर आपके पास है तो अगर आप डोमिसाइल के लिए अप्लाई करते हैं, क्लिक करते हैं, तो आपको ये रिक्वायर्ड होगा सर्टिफिकेट देना, ठीक है। तो इस जानकारी में तो इतना सा ही है, बाकी ऑफिशियल यहाँ से जो लिंक है वो अभी ओपन नहीं हो रहा है, शायद कुछ इशू चल रहा है इसमें, लेकिन हमने डायरेक्ट जाके ओपन किए हैं। तो चलिए हम एक बार बताते हैं, यहाँ पे अगर आप बिहार स्टेट लिखते हैं और ये देखिए ये वाला अगर आप लिंक ओपन करते हैं तो ये मेरे ख्याल से ओपन हो जाएगा, देखिए हो गया है। अब यहाँ पे न्यू कैंडिडेट जो है यहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आ